आप फॉन्ड में जाओ, हमें पे करो, और हमें पे करने के बाद हम आपको वहां से डिग्री दिलवाएंगे। तो यूएस के अंदर मिनिमम आपको 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा। आप अगर अभी 12th में हैं तो आप उनको 1 करोड़ या फिर 60 लाख पे भी कर देते हैं तो कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज, आपके पास कब वो रीपे होगा ये आप समझिए। अगर आपने 60 लाख भी इन्वेस्ट करे हैं, उनको दिए हैं, तो 8 साल बाद क्या आपका 60 लाख जो है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी? ऑफकोर्स बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है, रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे 4 साल जो है वो फॉरेन के सपने में इंडिया के अंदर ही वेस्ट हो गए। इंडिया के अंदर जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी कम हो गई हैं, सो इस टाइम पे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग को और मेडिकल को टारगेट करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो इस टाइम पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़, उनके मैं नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा बिकॉज मुझे कॉन्ट्रोवर्सीज़ नहीं बनानी है। तो मेरा जो मैसेज है वो आपसे ये है कि जैसे कि बहुत सी कंपनीज़ जो है वो बच्चों को एक ड्रीम दिखाती हैं, आप फॉन्ड में जाओ, हमें पे करो, और हमें पे करने के बाद हम आपको वहाँ से डिग्री दिलवाएंगे और ये हमारी गारंटी है कि आप वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। वो ये आपसे ये कहती हैं कि हम आपको PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंस भी दिलवाएंगे। सो अभी मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली इसको केस स्टडी कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से सही 1 घंटे पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात करी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी और मुझे डे ड्रीम्स दिखाए, बट जो मेरे क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे और उन्होंने मेरे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर भी नहीं कर पाए थे। तो मैं आपको आज इसी बारे में, जो कल्चर चल रहा है, जो लोग सोचते हैं कि हम फॉरेन में जाके सेटल हो जाए, वो किस तरह से एक मिथबस्टर ये वीडियो होने जा रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है और कुछ फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन में सेटल होना ही एक ऑप्शन बचता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कंपनी से बात भी करी थी आज, तो उन्होंने मुझे क्या बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम फॉरेन के अंदर कोई कंपनीज को टारगेट करते हैं, जैसे कि जो बेसिकली IT से, रोबोटिक्स से, मैथ से और टेक्नोलॉजी से और इंग्लिश से ही सिचुएटेड है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, तो मैं आपको फील्ड्स के बारे में नहीं बताना चाहता। तो आप ये समझिए कि जो फॉरेन की जॉब्स हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि नंबर 1 पे कंट्री है जिसके अंदर काफ़ी सारी जॉब्स हैं, वो है US। तो US के अंदर मिनिमम आपको 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये है कि इंडिया की जो इकनॉमी है और काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास के होने की वजह से उनके पास अपना इतना बजट नहीं है। तो अगर वो किसी तरह से लोन लेके भी 1 करोड़ रुपए जुटा लेते हैं, तो इसके बाद क्या चांसेस है कि उनकी जॉब लगेगी और डिग्री मिलने के बाद उनके जो 1 करोड़ है वो कब जाके पे बैक होंगे? सो बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूँ। लाइक आप एक चीज़ समझिए, जिन एग्जीक्यूटिव से मैंने बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत से लोग ऐसा ये करते हैं कि जो अपनी फर्स्ट के 2 ईयर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, वो लोग करते हैं इंडिया से, एंड देन वो हमसे एक्सेलरेट कोर्स लेके फॉरेन में जाते हैं और फॉरेन की जो बड़ी बड़ी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन लेते हैं। सो बेसिकली आप एक चीज़ समझिए, आप अगर अभी 12th में हैं तो आप उनको 1 करोड़ या फिर 60 लाख पे भी कर देते हैं तो कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज़, आपके पास कब वो रीपे होगा ये आप समझिए। लाइक आप अभी 12th में हैं तो ऑलमोस्ट 1 साल आप मानिए कि आपका बोर्ड क्लियर करने में निकल जाएगा, बिकॉज 12th इज़ अ बोर्ड क्लास, ठीक है 1 साल निकल गया। एंड देन हमें ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर या फिर 1 साल के अंदर इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है, तो उसमें हमें अपने 1 साल हो गया एडमिशन के अंदर, और 1 साल हो गया फर्स्ट ईयर का, और 1 साल हो गया सेकेंड ईयर का, तो ऑलमोस्ट हमारे 4 साल जो है वो फॉरेन के सपने में इंडिया के अंदर ही वेस्ट हो गए। फिर हम जाते हैं फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे होता ये है, वहाँ के अंदर परसेंटेज कुछ नहीं होता, ना ही वहाँ पे ग्रेड्स होते हैं, वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है, तो हमें मिनिमम क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। सो वहाँ पे हम 4 साल और लगाएंगे अपने लिए के अपने क्रेडिट्स पूरे करने में, तो तब जाके ऑलमोस्ट 8 साल बाद हमारे को वहाँ पे बैचलर्स की डिग्री मिलती है। अब आप समझिए इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपनी रुपीस डाउनफॉल वाली वीडियो में भी आपको समझाया था कि जो FD होती है वो हमें बस एक टाइम के बाद, एक टाइम के जो एक्चुअल करेंसी की वैल्यू चल रही है उसी अकॉर्डिंग रीपे करती है।
तो अब आप इस बात को समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने 60 लाख भी इन्वेस्ट करे हैं, उनको दिए हैं, तो 8 साल बाद क्या आपका 60 लाख जो है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी? ऑफकोर्स बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं, मार्केट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और जो इकनॉमी है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो इसीलिए करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अराउंड जो आपके 60 लाख हैं वो 1 करोड़ 20 लाख तक भी जा सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख का जो अमाउंट है वो काफ़ी मिनिमम हो। तो ये तो बात हुई अलग कि हमने 8 साल के अंदर अपनी करेंसी में क्या चेंज पाया, बट द थिंग इज जब हमारी जॉब लगती है और हमें सपने दिखाए जाते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होगा वो केवल 50 लाख तक का होगा, तो 50 लाख वो 50 लाख पर मंथ की बात नहीं करते, पैकेज हमेशा एनुअली डिस्कस होता है। तो आपको इतने टाइम बाद 50 लाख मिल रहे हैं, तो उस टाइम की करेंसी के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू तो बहुत कम है। सो करेंसी की बात करते नहीं है, और आप समझिए इस बात को कि जॉब डिग्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है जो आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, मेन आपने अपनी एजुकेशन में खर्चा करा है, वो आपको कितने टाइम बाद रीपे हो रहा है। और जैसे कि मैं कुछ टाइम बाद एक स्टॉक मार्केट की सीरीज़ भी आपके सामने लाने वाला हूं, तो उसमें जब आप समझेंगे रोल ऑफ टाइम क्या होता है, रोल ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, रोल ऑफ मार्जिन क्या होता है, तो आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट करा, मेन चीज़ ये है कि हमें उसका क्या रीपे मिल रहा है और हम कितने सेटल हो पाए हैं। सो मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है मेरे लिए, तो उन्होंने तभी कंपनी से बात करी, बट जैसे ही मेरी 1-on-1 कॉन्फ्रेंस जो उन एग्जीक्यूटिव के साथ थी वो एंड हुई, तो मैं अपने पापा से डिस्कस कर रहा था कि ये तो बिल्कुल एक तरह से फ्रॉड है। आप अगर लोन लेके किसी भी तरह से इतने अमाउंट को अरेंज करते हो तो वो तो आपका लॉस ही है, और पापा मान भी गए। तो तभी उन्होंने हम दोनों की बात चली और हमने 1 घंटे के अंदर ही आपके लिए वीडियो बनाना का डिसीजन लिया। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी अपनी जॉब लग सकती है, तो मैंने एक चीज़ उनसे बोली, अगर मेरी जॉब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लग सकती है तो जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या जॉब करी थी, उनके पास कौन सी डिग्री है? वो खुद एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, बट उनका क्या प्लान था? तो जो बिल गेट्स हैं वो एक एम्प्लॉय नहीं है, वो एक कॉरपोरेट के एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। अब वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। सिंस इंडिया के अंदर हर साल 10 लाख बच्चे IIT के एग्ज़ाम्स देते हैं, बट IIT यानी कि GE एग्ज़ाम्स के अंदर सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों का। तो उनके अंदर से भी जो प्लेसमेंट मिलती है वो लगभग 2,000 से 3,000 बच्चों को मिलती है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 10 लाख बच्चे बाकी के बचे भी हुए हैं वो क्यों अपनी जॉब नहीं कर पा रहे? तो इसका रीज़न ये है बिल गेट्स वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल गेट्स बहुत पहले एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, बट उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी कैसे बनाई? बिकॉज ऑफ आइडियाज। हजारों और लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं, हजारों लाखों लोग डॉक्टर्स बनते हैं और हजारों लोग CA बनते हैं, बट उनमें से सक्सेसफुल कौन होते हैं? जिनके पास आइडियाज होते हैं, जिनके पास एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है। बिकॉज कंपनीज हमें हमारी डिग्री के पैसे नहीं दे रहे हैं, वो हमें केवल हमारी स्किल्स के पैसे दे रहे हैं। और स्किल्स जो होती हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, लाइक स्पीकिंग स्किल्स हो गई, जैसे कि मैं आपके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, वो एक स्किल है। और स्किल ऐसे है कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, जैसे कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने केवल और केवल यूट्यूब पर बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ को शेयर करना स्टार्ट करा, तो वो उनकी स्किल है। सो इसीलिए जैसे कि आपको पता भी होगा कि बिल गेट्स के ऊपर आज भी काफ़ी सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, बिकॉज लोगों का मानना ये है कि हमने उनसे अपने आइडिया शेयर करे और उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करा, जिससे वो आज दुनिया के 1 of the richest पर्सन भी बन गए। सो मेरा मतलब ये नहीं था कि आप फोन में नहीं जाएं, तो मेरा बस आपके आज की इस वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि जो पूरा गेम चल रहा है, ये जो पूरा फ्लो चल रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्म हो सके, और बाकी आपको करना या ना करना ये टोटली आपके ऊपर है, बिकॉज ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉर्पोरेट्स का और फॉरेन एजुकेशन का जो फ्लो चल रहा है, इसके ऊपर आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है, तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके इसे हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर करिए। अगर आपके माइंड में कुछ सजेशन या फिर थॉट्स हैं तो प्लीज़ आप फ्री है कमेंट सेक्शन को यूज़ करने के लिए, और आप चाहते हैं कि हम आपके सपोर्ट से रोज़ ऐसी वीडियोज़ लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिले और हम काफ़ी सारी ऐसी ही मिथ बस्टर वीडियोज़ लाते रहें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।